तो सीनियर सिटीजन्स के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए केंद्र कैबिनेट ने 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वर्गों के लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना से आपको जानकारी दी कि 4.25 करोड़ परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है और इस सौगात के बाद बुजुर्गों में एक नई उम्मीद जागी है, वो बहुत खुश हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना के लाभ हासिल करने के लिए ऐप के जरिए अप्लाई करना होगा। प्रेरणा शर्मा की ये रिपोर्ट आपके सामने है। 76 साल के तिलक राज अरोरा ग्री कलर से तंग आकर परिवार से अलग हो गए और वृद्धाश्रम में आ गए। एक आंख की रोशनी चली गई है, दूसरे की भी धुंधली है और ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है। परिवार का पूरी तरह सहारा ना होने की वजह से अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अब उनके संघर्षों वाले जीवन को थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 70 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है। उनका 5 लाख तक का इलाज अब मुफ्त में हो सकेगा। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे इस बारे? हम कहना चाहेंगे मोदी जी का धन्यवाद जी। हमारी सरकार का धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी। मोतिया भीम है, बहुत सीर है, बीपी लो है और कुछ लीवर खराब है और चलते चलते भी घुमारी आ जाता है। सरकार तो नियम ही कर रहा है, बहुत ठीक किया, बहुत धन्यवाद, मैं शुक्रिया आदर करते हैं। लग तो बहुत अच्छा रहा है जी। और फायदा भी है इसमें, जो गरीब आदमी बेचारे इलाज नहीं करा पा रहे उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। पर ये इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से हो वो बढ़िया है। कैसा क्या लग रहा है वो देगी तो हमें अच्छा लगेगा और क्या जो हमारा इलाज हो जाएगा फ्री में, अब जैसे भी वो करते हो इलाज। इस योजना में आर्थिक हालत कैसी भी हो 70 से बड़े सभी बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को अलग से नया कार्ड जारी किया जाएगा। जो बुजुर्ग पहले से इस योजना से जुड़े हैं उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का टॉप अप कवर मिलेगा, यानी कुल 10 लाख। लेकिन ये अतिरिक्त कवर परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकेगा। जो लोग CGHS, ECHS और आयुष्मान CAPF जैसी दूसरी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत में से कोई एक चुन सकते हैं। जिनके पास अपनी निजी पॉलिसी है या जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आते हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसी परिवार में अगर 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों को अलग अलग लाभ मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये योजना केवल बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि ये देश के हेल्थ सेक्टर के लिए भी एक गेम चेंजर का काम करेगी। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एजिंग पॉपुलेशन को हेल्दी रखने के लिए डेफिनेटली हम लोग को कोई ना कोई उनको किसी तरह के इंश्योरेंस के दायरे के अंदर लाना जरूरी है, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइज्ड होके पर्टिकुलरली कुछ बीमारियां होती है जिनके लिए हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत पड़ती है वो सुविधाएं वो लोग ले पाएंगे। तो मतलब जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो प्रोग्राम की बात की जा रही है भारत में तो उसमें ये एक कड़ी लिंक जो था ये मिसिंग था। ये ऐड होने से तो डेफिनेटली ओवरऑल हेल्थ केयर के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। ये बस 5 लाख का हेल्थ कवर नहीं है, 70 वर्ष और उससे ऊपर के सभी बुजुर्गों को बुढ़ापे में एक नई लाठी मिल गई है। और जिनका इलाज किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था इस स्कीम के द्वारा अब वो भी इलाज करा सकेंगे। नई दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।